महल मना रे, आंख बना ले, महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क तब दे आप पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे, जीद करा दे, याद मेरा साया, नांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मेरा साया। आबिद अभी बच्चा है, इतना होशियार नहीं है वो, और बीजान घाट घाट का पानी पी भी औरत है। उंगलियों पर मचाएंगी वो मेरे आबिद। तुम्हारा क्या ख्याल है? वलीद खान ने कच्ची गोलियां। अब क्या है? आपका नाम तो पूछना भूल ही गया। मानूर। मानूर आप? वाकई मानूर। I hope ये शब बेदारी की वजह कोई और नहीं है। अगर कोई और वजह होती तो मुझसे पहले आपको पता होती। ये तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, मुझसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती। मानूर, वेलकम वेलकम आबिद साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम मामा। कैसी हैं आप? बहुत मिस किया मैंने आपको। आबिद खान, पहले बीजान। अस्सलाम वालेकुम दादी। पहले बड़ों से मिला जाता है आबिद खान, उनके घुटने छुए जाते हैं। क्या विलायत जाके अपने ट्रेडिशंस, अपनी तहजीब सब भूल गए? जी दादी। कैसी दादू? ठीक है। और दादी ये शायद मुझे पहचाना नहीं आपने, मैं मनजा। ओ हाँ, मनजा कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू अभी तक नहीं मरा? कैसा है? मैं ठीक हूँ दादी। वो जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ वो कहाँ है? किसके लिए? हम तो समझे थे तुम हमारी मोहब्बत में आए। अरे नहीं दादी, आपकी मोहब्बत तो हमारे खून में शामिल है। वो मुझे नजर नहीं आई ना, इस वजह से पूछ लिया आपसे। कौन? महानूर। महानूर हुजूम में नहीं खड़ी होती। आओ ये बात है। महानूर, महानूर, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आओ अंदर आओ सर, अंदर बैठ कर बातें करें। आओ। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं पता। क्या बात है, तुम अभी तक जाग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? आपके लाडले का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? खैरियत तो है ना? कोई काम है उससे? तुम्हें नहीं पता? नहीं, तुम बता दो। अच्छा, तुमने मुझे बताया था कि उसने नौकरी कर ली। हाँ। तो कौन सी नौकरी है वो?
ये तो उसने मुझे नहीं बताया। झूठ मत बोलो रेहाना, तुम्हें सब पता है। अस्सलाम वालेकुम, आप अभी तक जाग रहे हैं? जी, आपके इस्तकबाल के लिए जाग रहे हैं। और जानना चाहते हैं आप रातों को क्या गुल खिला रहे हैं। आपको पता चल गया? जी पता चल गया। और अफसोस तो इस बात का है कि घर की बजाय बाहर के लोगों ने बताया मुझे। जी वो मैं आपको बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? यही कि तुमने कॉटन फैक्ट्री में पार्ट टाइम नौकरी का झूठ बोला था अपनी मां और बहन से। ये आपसे किसने कहा? खैर दीन, वो शिफ्ट इंचार्ज है वहां। जब मैंने उससे तुम्हारी नौकरी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि नौकरी तो दूर की बात, वो तो कई महीनों से नजर ही नहीं आया मुझे। हाँ वो एक्चुअली कॉटन फैक्ट्री नहीं थी, कार्टन फैक्ट्री थी। अच्छा कार्टन फैक्ट्री, ये कौन सी फैक्ट्री होती है? ये नई फैक्ट्री खुली है, ये लोग पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। उफ़ छोड़ो भी ना, तुम भी हर बात ही खाल उतारते। अरे हमारे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। रिदा जा भाई को खाना दे, सारा दिन मेहनत करके थक के आया। जा बेटा जा, जा जाके खाना खा ले। जी अम्मा, वैसे भी भाई आजकल बहुत मेहनत कर रहा है, चले आए आपको खाना देती हूँ। अब सारी रात क्या यहीं खड़े रहोगे, सोओगे नहीं? तुम चलो मैं आता। क्या बना, तुम्हारा शहजादा अभी तक उठा नहीं? इतने अरसे के बाद तो उसको सुकून की नींद नसीब हुई अपने घर में, सोने दे उसे। क्या मतलब है तुम्हारा पर्दा? सुकून की नींद, नाश्ता तो दूर की बात, दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है। अभी उसको आए हुए 24 घंटे नहीं गुजरे और आप उसके पीछे पड़ गए। मैं पीछे कब पड़ा हूँ? मैं तो पूछ रहा हूँ कभी तक क्यों नहीं उठा हो? आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मेरा बेटा, अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे बाबा। याद करने का क्या फायदा, अब तो मैं आ गया हूं। तुम्हारी माँ ये कह रही थी कि उसका बेटा बरसों की नींद पूरी कर रहा है। क्या नींद पूरी बाबा? आप लोगों ने अभी तक फर्नीचर तो चेंज नहीं किया, इतना पुराना फर्नीचर है। कैसी बातें कर रहा है, हमारा बुजुर्गों का फर्नीचर है, कैसे चेंज कर सकते हैं उसको? एक तो आप बहस बहुत करते हैं। सॉरी बेटा, वो फर्नीचर की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया शायद, लेकिन तुम्हारा कमरा और वॉशरूम तो मैंने पूरा तोड़वा के नया बनवाया है। टिश्यू तक तो है नहीं वॉशरूम में। और तो क्या हुआ, पानी तो आता है ना, टिश्यू पेपर की क्या जरूरत है? वो आपको जब नहीं मालूम है तो मत बोलिए, वहाँ इंग्लैंड में हर कोई टिश्यू पेपर ही इस्तेमाल करता है। हाँ तुम तो जैसे लंदन में पैदा हुई हो ना, तुम्हें सब पता है। बड़ी आई वलेत, कुछ नहीं बदला यहाँ पे, सब कुछ पहले जैसा ही है। और आप दोनों ना लड़ते भी पहले की तरह ही। खैर नाश्ता तैयार है? वही होगा नाश्ते में, देसी घी के पराठे, मक्खन, ऑमलेट। हाँ तो तेरा गोरा भी तो वही नाश्ता करता है ना, वही टोस्ट, वही मक्खन, और गरीब का बच्चा कॉफी में ना चीनी मिलाता है ना दूध। लेकिन अब मैं वो नहीं खाता, मुझे सिर्फ एक ग्लास एप्पल जूस। मगर प्लीज थोड़ा जल्दी, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे? पुराने दोस्तों से मिलना।
इतना सारा मेहनत जाया गया, ये तो सिर्फ एक गिलास जूस मांग रहा है। किसने कहा जाया गया? इसका बाप है ना, तुम खाना लगाओ, डट के खाऊंगा आज मैं। अभी रजिया को बोल के लगवाती। रजिया, आप लोग यहीं रुके, मैं कुछ देर अकेले घूमना चाह रही हूँ। छोटी मालकिन, हमें आपके साथ रहने का हुक्म है। किसने दिया ये हुक्म? गुल चाचा का। गुल बाबा से मैं खुद बात कर लूंगी। बड़ी मालकिन को पता चला तो वो हमें गोली मार देंगी। उन्हें पता नहीं चलेगा, आप लोग यहीं रुके। हो दिल दे आखे लगे आजे इश्क प्याला पीता होर सबक ना पड़या कोई यार यार ही कीता। गुड मॉर्निंग। यार यार ही कीता। आप तो वाकई आ गए, यहाँ कब से हैं आप? मैं तो आपके साथ हवेली से हूँ। हवेली से? लेकिन आप थे कहाँ? मैं मोटरसाइकिल पे था, लेकिन काफी पीछे था। मैंने देखा आपने किस तरह समझदारी से अपने गार्ड से जान छुड़ाई। आप वहां भी थे? अगर गार्ड्स देख लेते तो? छोड़े ना, ये बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं एक दो दिन पहले भी आपकी हवेली आया था, लेकिन वहाँ पे काफी रश था, शायद कोई तकरीब चल रही थी। मेरे कजिन आए 22 से पढ़कर, अम्मा जाने को सलाम करना था उन्होंने, इसीलिए सब आए थे। हाँ, I think आबिद खान नाम है उनका, है ना? कमाल के आदमी आप तो सब जानते हैं। इसकी वजह भी तो आप ही हैं, वरना मुझे खान खानदान में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मेरे लिए यही बहुत है कि आप मुझसे मिले और आज आप मुझसे मिलने आई। मैं तो मामूल के विजिट पर आई हूँ। लेकिन पहली बार आज आप अपने गार्ड्स के बगैर आई हैं, आपको डर नहीं लगा मुझसे? डर लगता ना तो शोर मचा कर आपको पकड़वा देती। लेकिन उस दिन गार्ड से लड़ते हुए अच्छे लगे थे आप मुझे। अच्छा, लेकिन आपको तो मुझ पे गुस्सा आना चाहिए था ना? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था। आप जानते हैं मैं खुद उन गार्ड्स को मारना चाहती हूँ, हर वक्त साय की तरह मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मेरी आजादी, मेरी प्राइवेसी सब खत्म होकर रह गई है। इमरजेंसी से कहीं आ जा ही नहीं सकती। आज आपकी वजह से पहली बार आजादी का एहसास हुआ। आज मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। आखिर ऐसा क्यों? आपको क्यों इतनी पाबंदियों में रखा गया है? मैं नहीं जानती, लेकिन यही बताया गया कि जिन लोगों ने पापा का कत्ल किया है उन लोगों से मेरी जान को खतरा। क्या आपके पापा को कत्ल किया गया था? किसने? पता नहीं। किधर गया था छोटी मालकिन, किधर देखा तुमने? किधर गया था छोटी मालकिन, किधर देखा तुमने? गुलबाबा इस तरफ से। मुझे लग रहा है गुलबाबा आ रहे हैं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मगर आप अभी जाइए, गुलबाबा ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा, प्लीज जाइए। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। छोटी मालकिन आप क्या
सब ठीक तो है ना जी? लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं बड़ी मालकिन को क्या बताता? गुल बाबा, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं गार्ड्स के अलावा भी आ जा सकती हूँ। ये जमीन, ये इलाका मेरा है, तो फिर डर किस बात का? वो तो ठीक है, लेकिन एहतियात तो जरूरी है ना। इस एहतियात की वजह से मेरी आजादी खत्म हो गई गुल बाबा। खैर चलें। सलामुअलैकुम दादी। सलामुअलैकुम दादा। मुझे तो इनकी है, हर वक्त सीट पे बैठे रहते हैं। अम्मी बता रही थी आप मुझे बहुत याद कर रही थी, कल दो बार फोन भी किया आपने। ऐसे क्या देख रही? देख रही हूँ कि तुम्हारी माँ ने बुजुर्गों के सामने ना बैठने की और ना बात करने की तमीज सिखाई। वो क्या है ना, अम्मी को कभी मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी यूरोप में बच्चे और बुजुर्ग एक तरह के होते हैं। अब आ गया ना आपके पास, आप सिखा दीजिए ना। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम हमारे खानदान की रिवायात के वारिस बनो। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा मुस्कुराना आपकी रवायात में शामिल नहीं। मुझे बेवक्त और बिला वजह मुस्कुराना पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। जी, हुक्म करें। बहुत संजीदा मामला है। बताइए दादी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम अब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। कैसी जिम्मेदारी? कारोबारी मामलात बहुत फैले हुए हैं। मैं तुम पर ज्यादा बोझ तो नहीं डालूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम वुलन फैक्ट्री संभालो। लेकिन वो तो पहले ये बाबा ने संभाली है, मैं क्या करूंगा दादी? तुम्हारे बाबा ने बहुत मायूस किया मुझे, सारी फैक्ट्री तबाह कर दी। लेकिन मैं तो फैक्ट्री के बारे में कुछ जानता ही नहीं। मैं तुम्हें गाइड करूंगी, मैं तुम्हें समझाऊंगी। तो दादी, आप बाबा को गाइड कर देना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे। इस वक्त फैक्ट्री बहुत खसारे में है। वहां से जो भी पैसा आता है वो कहां जाता है, वो कहां लुटाता है, हमें कुछ खबर। ऐसा मत करिए आप, बाबा को बहुत गुस्सा आएगा। और वैसे भी अभी मैं फैक्ट्री के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। आबिद खान, तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने फैसला कर लिया है, वलीद खान को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये फैक्ट्री अब तुम संभालो। समझ आई? ठीक है, मैं आपको सोच के बताऊंगा। और वो महानूर का कमरा पुराने वाला ही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे हेलोवाई कर लूं। थैंक यू दादी। क्यों मना कर रहे हो उसे? वो उसकी होने वाली बीवी है। अपनी जवानी भूल गए? क्या क्या गुल खिलाए थे तुमने?
हाय। कि क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मैंने क्या किया? आप बगैर इजाजत मेरे कमरे में दाखिल हुए और आपको इस बात का एहसास तक नहीं? इंतहाई घटिया हरकत की आपने। एक्सक्यूज मी, मुझे तमीज मत सिखाइए आप। मैं किसी और के थोड़ी अपनी मंगेतर के रूम में आया हूं। मंगेतर जरूर हो आपकी, बीवी नहीं। और हमारी तहजीब में बीवी के कमरे में भी दाखिल होने से पहले इजाजत ली जाती है। होता होगा जहां होता है, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। और जब से मैं आया हूं आपने सीधी तरह मुझसे बात भी नहीं की। मुझे आपसे जिस तरह से जितनी बात करनी चाहिए वो मैंने की है। मैं नहीं जानती कि मजीद आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये गैर जरूरी तकल्लुफात छोड़ो, घूमो फिरो, मेरे साथ बाहर चलो। कुछ महीने बाद हमारी शादी होने वाली है। मुझे ये सब पसंद नहीं और मुझे नहीं लगता कि अम्मा जानी को भी ये सब अच्छा लगेगा। दादी अम्मी से मैं बात कर लूंगा, आप अपना सोचें। अगर आपका रवैया मेरे साथ यही रहा ना, तो मुझसे किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखिएगा। मुझे शादी से पहले किसी भी किस्म की बेतकल्फी पसंद नहीं है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे। वो सब तो ठीक है, बन गई होगी तेरी दोस्त वो। अब आगे क्या होगा? आगे भी रास्ता निकल ही आएगा। मुश्किल है बहुत। अबे क्यों मुश्किल है? तूने कभी सोचा था मैं उससे हवेली में जाके मिलूंगा और वो खुद मुझसे मिलने आएगी? अल्लाह खुद ब खुद रास्ते बना रहा है। चलो मान लिया आशिक होगी ये वो तेरे पर, लेकिन ये कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? सोच रहा हूं भगा के ले जाऊं उसे। कोई आम लड़की है क्या? फर्ज कर तू उसे भगा भी लेता है, रखेगा कहां उसे? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं जगह तो मिली जाएगी। मगर तेरे लिए नहीं, तू तो खुद अपने घर में चोरों की तरह घुसता है, और जिस दिन तेरे अब्बा को पता चल गया ना, तेरे अपने ठिकाने का मसला हो जाना। तो तेरे घर तो है ना, तेरे घर में रह लूंगा। और वो तेरी शहजादी? कुछ दिन तो वो यहां भी रह सकती है ना। पागल हो गया क्या? अपने साथ मुझे भी मरवाएगा? अबे ओ मर्द बन मर्द, क्या औरतों की तरह डर रहा है? ऐसे मामले में हर शरीफ आदमी डरता है, लड़की का मामला है वो भी हवेली वालों का। और तेरी तरह छड़ा छांट तो हूं नहीं, बीवी है मेरी, क्या बोलूंगा उसे? बस निकल गई तेरी हवा। अबे मैं मजाक कर रहा था, मुझे तू ऐसा लड़का समझता है क्या? तेरा क्या भरोसा, तू जान पर खेलकर हवेली जा सकता है तो उसे भगा भी सकता है। चल फर्ज करके ऐसी नौबत आ गई कि मुझे उसको भगाना पड़ गया, तो ये बात तो कंफर्म है कि मैं उसे तेरे घर ही लाऊंगा। और भाभी की तू फिक्र मत कर, उनसे मैं बात कर लूंगा, बस तू हौसला पकड़। तुझे उसके गुस्से का नहीं पता, बहुत तेज है। मैं जानता हूं उनका गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। जब उनको पता चलेगा ना कि मानूर इतनी मजलूम है, तो वो तेरी तरह डर के भागेंगी नहीं, साथ देंगी मेरा। क्या अब देख क्या रहा है? भाभी नहीं तो चाय भी नहीं पिलाएगा। जा चाय बना। लाता हूं। कैसे हुआ ये सब रजा? वलीद साहब ने यूनियन लीडर को तोड़ दिया था,
और तुम्हारा वो यूनियन लीडर, उसने पैसे लेने के बावजूद हमें धोखा दिया। मैडम ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता। रजा दीन ईमान तो मुझे तुम्हारा भी नहीं लग रहा। ऐसी बात नहीं है मैडम, वलीद साहब ने यूनियन लीडर के अलावा और लोगों को तोड़ा है और इस तरह उन्होंने फूट डलवाकर हड़ताल ख़त्म कराई है। साथ ही वादा भी किया है कि सबको 15 दिन की तनख्वाहें दे देंगे। पैसा कहाँ से लाएगा, है क्या उसके पास? पता चला है कि वो फैक्ट्री पर बैंक से कर्जा ले रहे हैं। रजा तुम्हें मालूम नहीं है, बगैर कागजात दिए बैंक उसको फूटी कौड़ी नहीं देगा। तो क्या कागजात नहीं है उनके पास? अगर उसके पास कागजात होते ना तो वो कब का फैक्ट्री को बेच चुका होता। ये अच्छा किया मैडम आपने जो उनको कागजात नहीं दिए। लेकिन रजा तुमने मुझे मायूस किया, तुम्हारी हिमाकत की वजह से वलीद आज मुझ पर बाजी ले गया। सिर्फ चंद दिन की बात है मैडम, पैसे ना मिले तो वर्कर्स दोबारा फैक्ट्री बंद कर देंगे। ठीक, लेकिन मुझे एक एक मिनट की खबर तुम देते रहोगे और आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। जी बेहतर। एक हफ्ते तक पेपर्स तैयार हो जाएंगे, आप बाकी के पेपर्स तैयार करें। हड्डी तो डालनी पड़ेगी मुराद, लेकिन कोशिश करना ज्यादा मुंह मत खोले। वो सर, वो आपके बेटे आबिद आए। आबिद यहाँ। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग बेटा। कैसे आप? व्हाट अ सरप्राइज, बता के आते? बता के आता तो आप एक्साइटेड ना होते। वाकई बहुत ही एक्साइटेड सरप्राइज दिया है। सर कॉफी भिजवाओ या ड्रिंक भिजवाओ? जी कोल्ड ड्रिंक यार। राइट सर। मैं आपसे नाराज हूं पापा। अच्छा, तुम्हारे बाबा ने ऐसा क्या कर दिया वलीद खान कि तुम उससे नाराज हो? इतने सालों के बाद मैं आया हूं और आपने कोई शिकार का प्लान नहीं किया। तुम तो जानते हो आबिद खान, इन फैक्ट्री के मामलात में किस कदर बिजी हूं मैं। 3-4 बार मैंने सोचा लेकिन मगर टाइम नहीं मिला। अरे क्या करेंगे आप इतना काम करके पापा, मैं आ गया हूं ना, सुकून करें अब आप। मेरे बच्चे तुम्हारे अभी खेलने कूदने के दिन है, ये बताओ वापस आकर कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, लेकिन सब वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। ये बताओ वलीद खान कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? क्या सोचना बाबा, जो आप कहेंगे वो कर लेंगे। वैसे डिग्री तो मैंने एग्रीकल्चर में ली है, उसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना, और हमारा खानदानी काम भी यही है। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारी दादी के पास जमीनों की कोई कमी नहीं है। जहां सदियों पुराने रवायती तरीकों से काम चलाया जा रहा है। तो तुम आ गए हो ना, तुम बदलो, नई सोच नई टेक्नोलॉजी। लेकिन बाबा इसके लिए दादी को राजी करना पड़ेगा। बीजान ने मेरी तो कोई बात माननी नहीं, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। बाबा मुश्किल है, महानूर और दादी एक जैसे, और मानूर मुझे बहुत मगरूर लगती है पापा, हर बात का बुरा मना जाती है। क्यों, कोई बात हुई क्या? बात तो कोई नहीं हुई, लेकिन बहुत आकड़ दिखाती है वो। सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन मैंने उसकी तबीयत साफ कर दी है। आबिद खान जरा हाथ हल्का रखो, याद रखो कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि बीजान नाराज हो जाए। एक बार शादी हो जाए
फिर सारी अकड़ निकल जाएगी उसकी, सारी जिंदगियां जूतियां चाटेगी तेरी। पापा या तो जूतियां चाटेगी या खाएगी। माँ भी गई है, उसकी माँ भी दबंग औरत। उसकी माँ जिंदा है भी? पता नहीं, लेकिन सुना है किसी ने उसे एक साल पहले कराची में देखा है। अब पता नहीं जिंदा है या मर गई या धक्के खा रही है। लेकिन एक बात है आमिर खान, तेरे बाप ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी दबंग औरत नहीं देखी। दम था उसमें, मान गए हाशिम खान तेरी चॉइस को। महल मना रहे लाख बना ले, महल मना रहे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क तब दे आप पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। आरिफ भाई, मेरी महानूर कैसी है? ठीक है। रहीम गुल बता रहा था कि वलीद का बेटा बाहर से आ गया और सेबनसा बेगम चाहती हैं कि महानूर की शादी उससे कर दी जाए। नहीं आरिफ भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी अपने बाप के कातिलों की बहू नहीं बन सकती। बीजान ने बहुत जुल्म कर लिए हम पे, अब वक्त आ गया है कि वो अपने सारे हिसाब चुकाए। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन भाभी इसके लिए बहुत तैयारी करनी होगी, क्योंकि आज की ज़ेबनसा बेगम ना सिर्फ माली तौर पर मुस्तहकम है बल्कि उनको सियासी पुश्तपनाही भी हासिल है। इतना आसान नहीं होगा उनको हराना। मगर कानून उनके साथ नहीं है, और फिर मेरी मानूर माशाल्लाह आकिल और बालिग है। अब वो फैसला कर सकती है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। भाभी आप भूल रही, कानून तो 20 साल पहले भी यही था, लेकिन ज़ेबनसा बेगम ने महानूर को आपसे छीन लिया था। मैं तो उस वक्त भी बीजान से लड़ने को तैयार थी, लेकिन सिर्फ आपके समझाने की वजह से मैंने अपने सीने पे पत्थर रख लिया। भाभी वो वक्त और था, लेकिन आज बात और है। आज आप एक जवान और तालीम याफ्ता बेटे की माँ हैं। अगर उस वक्त ज़ेबनसा बेगम को ये भनक भी पड़ जाती कि आप उम्मीद से हैं, तो आपको हवेली से कहीं जाने न देती, कैद कर लेती। और जब आप हाशिम के बेटे की माँ बन जाती तो उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती। उन्होंने तो हाशिम की ज़िंदगी में आपको कबूल नहीं किया, फिर बाद में कैसे बर्दाश्त करते।
अरे भाई आप कुछ भी कहें, मैं हर कीमत पे अपनी बेटी को हासिल करना चाहती हूँ। भाभी ऐसा ना हो कि मानूर वहां खुश हो और आपके साथ जाना ना चाहे। नहीं अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है कि वो कितनी बेताब हो रही होगी मुझसे मिलने के लिए। ठीक है तो फिर हमें एक वकील करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, आपसे बेहतर प्लान और कौन कर सकता है। जो आपको बेहतर लगता है वो कीजिए, लेकिन आरे भाई एक रिक्वेस्ट है जी। आपके पास जब भी टाइम हो मुझे हवेली ले जाइएगा। हवेली? लेकिन क्यों भाभी? हाँ हवेली के अंदर ना सही, लेकिन कम से कम बाहर से ही अपनी बेटी की खुशबू तो सूंघ सकूं। समझ सकता हूं आपकी तकलीफ। आप ले जाएंगे ना? अज ते करना तकिया कोई तेरे वर्गा हो। जिंद बना दे दीद करा दे यार मिला साया रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया। सुना है क्या ये किसी की ख्वाहिश पे मुस्कुराना नेकी होती है? मुस्कुराने में तेरी हरकतें बता रही हैं कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। क्यों मैंने क्या किया? कौन है वो लड़की? महल मना रहे लाख बना ले, महल मना रहे लाख बना ले, बसा तो क्या इश्क दा बंदे आ पढ़ ले बल्ला इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे दीद करा दे यार मेरा साया।